ये आकाशवाणी है, आधे अधूरे प्रस्तुत है प्रख्यात नाटककार मोहन राकेश का लिखा ये नाटक। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। कोई भी एक सड़क, सड़क के दोनों तरफ घर, घरों की खिड़कियां, हर खिड़की को देखकर मन में उत्सुकता जागती है कि उसके पीछे जिंदगी किस तरह से जी जा रही होगी। कई कई चेहरे पास से गुजर जाते हैं, सपाट चेहरे, फिर भी कितना कुछ कहते हुए, एक दूसरे से अलग फिर भी एक सी पहचान लिए। मैं एक नजर अपने को देख लेता हूं, रास्ते से गुजरता एक आदमी, एक अलग नाम, लेकिन नाम का महत्व है। नाम मेरा कुछ भी हो सकता था, पर कोई भी एक नाम क्या काफी होता? अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग व्यक्तियों के बीच मेरे जो अलग अलग रूप होते हैं, उन्हें क्या बिल्कुल अलग अलग नाम नहीं दिए जाने चाहिए? ये घर के बाहर मैं रुक जाता हूं। ये घर मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी। मैं खिड़की से अंदर झांक कर देखता हूं। 49-50 साल का एक आदमी घर के आहते में टहल रहा है। ये आदमी मैं ही हूं। 40 साल की एक स्त्री थकी मांदी अपने दफ्तर से लौटकर घर में दाखिल हो रही है। इस घर में ये स्त्री मेरी पत्नी है। ये घर में कोई नहीं। किन्नी होगी नहीं, जवाब कहां से दी? बैग यहां पटक गई है, ये हाल है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे दिन भर। कैंची और एक्ट्रेसों की तस्वीरें, जिंदगी काट रहा है ये लड़का भी इन तस्वीरों के साथ। बड़े साहब यहां अपनी कारगुजारी कर गए। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने रख ही सकता है। ओहो ये मेज, इतना तक नहीं कि पीछे से चाय भी तो चाय के बर्तन ही रसोई घर में छोड़ा है। नहीं आकर उठाऊं तो उठाऊं। सर्दी, अरे आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है कि दफ्तर से औरतों को घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, यहीं बाहर था आहते में। ये चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए जरूरी था कि पूरी ही ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था। वो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। दिखे तब ना, जो घर पर रहे कोई। सुनो हा? वो आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंगानिया? हाँ, उसी किसी के यहाँ खाना खाने जाना है। इधर 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। तुम्हें ने कहा होगा उससे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा है, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है और 3री बार आएगा। तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ। क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अच्छी बात है। तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी।
पहले जब जब आया है वो यहाँ, मैंने कभी कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पे ही नहीं रहे। तुम्हें और चाय की पहले चाहिए क्या? मैं बना रही हूँ अपने लिए। बना रही हूँ तो बना लेना एक मेरे लिए भी। सुनो, वो उसका क्या हुआ, वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। अरे हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं। ये अखबार देखो। सुनो, तुम्हें आज कहीं जाना है क्या? सोच रहा था जुनेजा क्या हुआ था। ओह, जुनेजा गया। वाओ, उसे देने के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम उसे मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। हाँ हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें भी तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा उस जिंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं किया है, इतनी गर्द भरी रहती हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। तुम नहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। पहली बार पैसे जो हुआ से हुआ, पर दूसरी बार क्या हो गया? वही पैसा जिन्हें जाने लगाया वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री खुली, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। उन दोनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था वो तो सारा ही शुरू में निकाल निकाल कर खा लिया। और फिर उसने खा लिया? मैंने नहीं, मैंने पता है कितना खर्च था उन दोनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़के कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। देखो, तुम लड़ना चाहती हो, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। अब जुनेजा आ गया ना लौट कर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता तुम यही सब बातें करोगे। वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो तुम सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। शुक्र नहीं मनाते कि कितना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर? नहीं शुक्र मनाता। अरे जब जब किसी नए आदमी का आना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले झकमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। ना शुक्रिया आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं बिना ये बाहर। फिर उसी तरह आई होगी, वो जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मामा, टूटे 50 पैसे देना जरा। 50 पैसे है ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही दूध के पैसों में से बचे हुए। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर, इस अखबार के। जाओ ना बाहर, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। बेटे बैठ। मामा कहाँ है? वो उधर होगी रसोई घर में। मामा, अरे बिन्नी क्या हाल है तेरे? ठीक है, चाय लेगी? अभी नहीं, पहले हाथ मुँह धो लूँ गुसल खाने में जाकर। सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि मेरी आँखें ऐसी क्यों हो रही है? कैसी हो रही हैं? पता नहीं कैसी हो रही हैं। तुम्हें ऐसे ही लग रहा है मामा, मैं अभी आती हूँ हाथ मुँह धोकर। मुझे तो ये उसी तरह आई लगती है। लो चाय पियो। इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। हो सकता है थोड़ी ही देर के लिए आई हो। पर्स में सिर्फ 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं था। क्या पता कहीं और से आ रही हो। तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें। तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ रहे थे जो पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है कि अगर ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो क्या बात है मामा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? तेरे डैडी तो ये जानना चाहते हैं। अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। पर बात ऐसी है क्या जानने की? मैं तुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ सकती हूँ, तू खुश है वहाँ पर? हाँ बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और कैसे कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। एक तपेदिक होता है बस आदमी को। तो और क्या क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से क्या नजर आता है आपको? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है तो उसी से बात कर, मैं तुम्हारे कभी पढ़ता ही नहीं इन चीजों के अंदर। अच्छा अच्छा, मैंने छोड़ इस बात को, आगे से सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। पूछने में रखा भी क्या है मामा, जिंदगी किसी तरह कटती ही जाती है हर आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब? तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। यहाँ बैठ, सच सच बता, तुझे वहां किस चीज की शिकायत है? शिकायत किसी चीज की नहीं। तो
और हर चीज की है। फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं। तो? और सभी बातें खास हैं। तो तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है वो जानना बिल्कुल जानना नहीं था। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है? नहीं, इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो। तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे? स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुश दिल कहना चाहिए उसे। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक है। सेहत? बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो शिकायत किस बात की है भाई? तुम बात को समझने भी दोगे? जब इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत ही खास वजह होनी चाहिए या वजह? वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। ये वजह बताई है इसने, हवा। मामा, ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकती हूँ। तूने जो बात कही वो अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो? पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देर, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती हैं। ये गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ कि जैसे कब कोई बहाना मिले जिसे उसे बाहर निकाल लूँ, और आखिर वो सीमा आ जाती है जहाँ पहुँच कर वो निठाल हो जाता है। ऐसे में वो एक ही बात कहता है। क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। वो क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो? और क्या क्या कहता है? मनोज आज जो तुझसे कहता है ये सब, पहले खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे पता नहीं चला? ये मैं उसे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि, कैसे बताऊं क्या लगता है, वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आस पास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ठर्रे पर लौट आती है, सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से फिर उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहां आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अपना घर है ये। मेरा अपना घर, अपना घर। हाँ, हाँ। और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वो इस घर की जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मामा क्या चीज है वो और कहाँ है वो? इस घर की खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वो मनोज चीज जो वो कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मामा क्या चीज है वो, कहाँ पर है वो इस घर में? कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। स्कूल से आई तो घर पे कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो मम्मा भी हैं, डैडी भी हैं, बिनी दी भी हैं, सब लोग ऐसे चुप हैं। तू जैसे अपना बता के आती है, चली कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती। यहाँ दूध गर्म हुआ है मेरा? अभी हो जाता है। स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं गर्म होता। तुझसे कहा है ना अभी हो जाता है, तुम दे रहे हो उसे दूध टोस्ट या मैं जाऊँ? नहीं, जा रहा हूँ मैं। मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि फाउंडर्स डे पीटी के लिए तीन तीन नए किट चाहिए। कितने? तीन तीन, सब लड़कियों को बनवाने हैं, और तुमने कहा था क्लिपर मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं,
कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। अच्छा देख, स्कूल से आकर तो अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले से अंदर रख कर आ। तुमने मेरी बात सुनी है? सुन ली है। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कह रही हूँ क्लिपर मोजो की बात और कह रही हूँ बैग रख के अंदर, बैग रख के अंदर। हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दें इससे तो राह से इस तरह कस दी जाती थी कि बस। क्या कहा तूने? मैंने कहा कि तुम सोच रही थी। नहीं तो, सोच नहीं रही थी, देख रही थी कि यहाँ कहीं कुछ और समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है यहाँ बाहर से। कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस, वो नया आना शुरू हुआ है आजकल, ये रहा किन्नी का दूध। चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला रही क्योंकि शोकी है। मुझे अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती थी कि बड़ा सो रहा था, अब तक मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। मैं तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। इस किन्नी की उम्र कितने साल है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। 13 साल की उम्र में अच्छी नहीं है जो तो उसके बाल खींचता रहे। बड़ा आया तब तो मुझे सचमुच अपनी गलती माननी चाहिए। जरूर मान लेनी चाहिए। मैंने खाम खा इसके हाथ से वो गंदी किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने देखी भी नहीं ये किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखे सो तो भी कुछ नहीं, मैंने जरा निकाल के देख भर ली तो। मैं देख सकता हूँ उस किताब को? नहीं, आपके देखने की नहीं है। हा? अब फिर पूछो मुझसे इसकी उम्र कितने साल है? पहले मैं ये जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल है? ऐसी क्या बात कह रही है? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है, कितने साल है मेरी उम्र? ये तुम्हें पूछकर जाना है? पूछ कर ही जाना है। आज कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भाट होते, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देखरेख करते, और सबके बावजूद आज मैं पहुंचा कहां हूं? यहां की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी के पास एक ना एक वजह होती है, इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं? ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वो सब तो एक रबड़ स्टैंप के सिवा मुझे कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर उस स्टैंप का ठप्पा लगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दें से कि रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही तो ना सही। ये सब कब मिला है किसी को इनसे इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? किसी माने में नहीं, किसी माने में नहीं, मैं जानता हूँ मैं एक रबड़ स्टैंप नहीं बल्कि सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला टुकड़ा। उसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह कि मुझे क्यों रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता ना कोई। अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूँ, खरगोश रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा। मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो। सचमुच महसूस करता हूँ, सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा हमेशा के लिए भर गया है, और फिर बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए और रहता हूँ मैं यहाँ पर। तुम्हारा ख्याल है मामा? लौट आएंगे रात तक, हर मंगल शनिचर यही सब होता है यहाँ। किन्नी, मुझे क्या हो रहा है वहाँ? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है जो कोयला है। तू इधर आएगी एक मिनट? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींची जाते हैं, बाहर आते किपिट किपिट किपिट, और खाने को कोयला, अब उधर की तमाची और खाने हैं। मैं देखता हूँ, कम से कम इस लड़की को तो सुन अशोक, पहले तो आकर यहाँ बात सुन मेरी। बताओ। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वो अभी आने वाला होगा थोड़ी देर में यहाँ पर। आने वाला है? मामा का बॉस। मामा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना? मुझे नहीं चाहिए वो नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। क्यों, उस आदमी को क्या है? चुकंदर है वो आदमी, जिसे न बैठने का शऊर है न बात। 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन। अशोक बेकार बकवास मत कर, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना है अपने बाप की तरह। उनका जिक्र क्यों खामखा बीच में लाती हो? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई तो 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया, अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हूँ? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? ये मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तेरी, ठहरो मामा, तू ठहर मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर ऊंघने में, एक्ट्रेसों की तस्वीरें काटने में, और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर। घर कहती हो तुम? तो तू इसे क्या समझ कर रहा है? देख अशोक, मामा के ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नहीं जानता मतलब। बिनी तू चली गई यहाँ से, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। तो क्यों नहीं, तू भी फिर कैसी बात कर रही हूँ? कैसी बात कर रही हूँ?
यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं इस चीज के लिए कि कैसे मैं इस घर के लिए सब कुछ करती रहती हूँ। वहाँ सब कुछ कितनी परेशान है बेचारी ये स्त्री, मेरी पत्नी, मेरे घर से चले जाने से कितनी दुखी है ये, दुखी या सुखी कह नहीं सकता। जिस मेहमान की इसे प्रतीक्षा है वो आने ही वाला है, लेकिन ये मेहमान भी तो मैं ही हूं, सिर्फ नाम चेहरा अलग, आवाज दूसरी, बंद गले का कोट, हाथ में छड़ी। मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, स्त्री मुझे देखकर थोड़ा घबरा जाती है और किसी तरह अपने को सहेज कर दरवाजे की तरफ पड़ जाती है। आप आ गए, आप आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते जी, ये मेरी बड़ी लड़की है बिन्नी, और अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। अच्छा अच्छा, यही है वो लड़की तुम चर्चा कर रही थी, इसी का ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? अरे नहीं, वो तो मिसेस माथुर की लड़की का हुआ था। मिसेस माथुर की लड़की का? नहीं नहीं, पर हुआ था किसी की लड़की। यहाँ आ जाइए सोफे पर, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अरे 5 मिनट हैं साथ में। उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं, कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने बताया था कुछ इस लड़की के विषय में, किस कॉलेज में है ये लड़की? जी अब कॉलेज में नहीं है। हाँ बताया था तुमने। बैठ जाए बिन्नी, खड़ी क्यों है? ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं किसी विदेशी पत्रिका में, क्या अधिक चाय पीने से ये पत्रिकाएं भी, एक अमेरिकन आया था। ऐसा है मामा कि कभी एक प्याली भी नहीं लेंगे? ना बिल्कुल नहीं, अंतरराष्ट्रीय संपर्क है ना कंपनी के, सो सभी देशों से लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। सब कुछ भी कहिए, जापान ने सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। देखिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि तुझसे कहा ना, रुक अभी थोड़ी देर। आप कॉफी पसंद करते हो तो? न चाय न कॉफी, एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है, तब की जब मैं विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। देखिए बात दरअसल ये है कि बैठ, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ अंदर से। तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा है मुझे आपने किसी इंटरव्यू में? नहीं तो फिर भी लगता है कि देखा है, कोई और लड़की होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। विचित्र बात नहीं है ये? क्या? कि बहुत से लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं, जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्या कह रहा था, कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी, उसी के बारे में नहीं कह रहे थे? कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में। तो वो लीजिए ना थोड़ा सा नमकीन। जरूर लो तुम भी। जी बैठ जाओ सावित्री। जी तो उस विषय में सोचा था आपने कुछ? किस विषय में? वो जो मैंने बात कही थी आपसे कि कुछ ठीक सी जगह हो आपकी नजर में तो। बहुत ही स्वादिष्ट है। याद है ना आपको? याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपने किसी कजन के लिए कहा था। नहीं नहीं, वो तो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था, तुमने किसके लिए कहा था? जी अशोक के लिए। क्या पास किया है इसने, बीकॉम? मैंने बताया था ना बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में, एयर फ्रिज में। एयर फ्रिज में। देखिए जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। जरूर जरूर, किसके लिए क्या करना है? जी अशोक के लिए कुछ ना कुछ। हाँ हाँ जरूर, वो तो है ही। क्यों अशोक जी, बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? जी ओ
अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, देखूंगा मैं। अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। सावित्री जी, तुम घर पर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई। मैं भी सोच रही थी आने के लिए, वो बेबी से मिलने। क्या हुआ अशोक? कीड़ा था, मसल दिया। मसल दिया? शेव 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 शेव, ये हिंसा की भावना। बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। और कीड़ा चाहे कितनी भी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूँ कि बैठो तुम लोग। जी मैं सड़क तक चल रही हूँ आपके साथ। इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए, तुमने भाषण सुना है वो जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? जी निरोध महर्षि। हाँ हाँ हाँ, यही नाम है ना। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे, पर भाषण वाह वाह। जी हाँ जी, ये हंसी किस बात पर? चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? ये देखो पेट पर उसका खाका। देखो ये उसका चेहरा है? नहीं है। सिर पर क्या है ये? सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं ना सींग नहीं होते। अशोक तू एक मिनट जाएगा बाहर। क्या गाड़ी चल नहीं रही है उनकी? क्या हुआ है? बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से, अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। वो जल्दी चला जाओ, उन्हें पहले ही बहुत देर हो गई है। सचमुच में दिला दी उसने नौकरी, तब तो क्या क्या कराएगा। हाथ भी गंदे हो गए। क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी। इधर अशोक, गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक अकल के इंजन का सवाल। क्या बना रहा था तू? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? कुछ नहीं कहना है? क्या कह सकता हूँ? मत कह, नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ा, उनके कार्टून बनाए, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों घर पर ऐसे लोगों को कि जिनके आने से। हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से? जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और भी छोटे हो जाते हैं अपनी ही नजर में। मतलब? मतलब वही जो मैंने कहा है, आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती बहुत बड़े रुतबे की। तू कहना क्या चाहता है? कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसीलिए बुलाती हूँ कि। पता नहीं किस लिए बुलाती हूँ, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके। मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, किसी को और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सर फोड़ने से भी किसी ठिकाना लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निप सकता। चुप क्यों है अब? कहता क्यों नहीं? कह दे जो भी कहना है तुझे। कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है तुझे? बहते तुरते पर तत्वीले तात, कितनी तत्वीले तातियां तक लाते मुन्ने ने। अगर कुछ नहीं कहना तो तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपने जुबान को। जाओ मामा, मैं बात करूंगी इससे। क्यों कर रही है बात तू इससे? कोई जरूरत नहीं किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। अशोक, कहना नहीं चाहता था लेकिन। तो कह क्यों रहा है? कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निपटा इनसे सब तो क्यों निभाए चली जाती है? निभाए जाती हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। तो तू सोचता है कि मामा जो कुछ भी करती है यहाँ? पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती थी। तू घर छोड़कर चली गई। किन्नी के लिए करती है? दिन ब दिन पहले से भी ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है। उनकी हालत देख कर रहम नहीं आता। और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूँ। पर क्यों? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? आधे अधूरे। अभी आप प्रख्यात नाटककार मोहन राकेश के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आनंद शिवपुरी का था और नाटक की निर्देशिका थी निर्मला दर। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। रास्ता चलता आदमी और महेंद्रनाथ, ओम शिवपुरी, लड़का दिनेश कुमार, सिंघानिया टीपी जैन, जगमोहन अनिल सहगल, जुनेजा गुलशन कपूर, बड़ी लड़की बेला मुखर्जी, छोटी लड़की ऋचा व्यास और पत्नी
सुधा शिवपुरी। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।